है कि आपकी सुंदरता का क्या राज है? राज है ना? आता कमेंट करता है लोग, बता दीजिए हमारे हमारा वाला ही वीडियो में। कोई राज नहीं है, ठीक है, ये बचपन से है, बचपन से। हाँ, तो अभी हम आरएन न्यूज जानते हैं आप लोग ना? अरे वही आरएन न्यूज जिसमें निभा जी रिपोर्टिंग करती हैं। रिपोर्टर निभा उन्हीं के पास आए हुए हैं उनके घर पर। ये देखिए कैमरा देख रही है हमारा कैमरा, देखिए वो लेंस गड़बड़ा ना जाए। देखिए लेंस नया कैमरा लिए हैं, अच्छा गड़बड़ा जाएगा। और ये मनीष जी हैं, इनके हस्बैंड हैं, इनका तबीयत खराब हो गया था तो वही इनसे मिलने के लिए आए हैं। हम भी चाह रहे थे भैया आएंगे मिलने के लिए, चाय मिला है पीने के लिए, चाय बना के लाई है अभी। और इनका जो है अभी कान में कुछ दिक्कत हो गया था जिसके वजह से अभी ऑपरेशन हुआ है। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, है ना। अभी इनका जो है वीडियो भी आप लोग को नहीं देखने को मिल रहा होगा। अच्छा ये मिलेगा, वीडियो भी देखने को नहीं मिल रहा होगा इसमें बोलना है ना। हाँ। तो जल्द ही आएगा, इंतजार करते रहिए आप लोग। चाय टेस्ट करते हैं, मस्त है चाय। दूध लगता है कि कल नहीं खाया क्या? दूध नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा दूध रात का है। अरे आप डर के मारे भी बोल रहे हैं अच्छा है। नहीं रात का नहीं, दूध ही आता है। हाँ, तो गर्म किए दो दो बार, ये तो डर कर भी बोल सकते हैं कि अच्छा है ना। सही बात है कि नहीं बताइए? पता नहीं, वो टेस्ट करवा थोड़ा सा। ये वाला अपने पास कितना अच्छा चाय है, देखिए लग नहीं रहा चाय, लग रहा खोवा है। अरे वाह, चाय नहीं खोवा है, क्या बात है। और नहीं तो क्या, फोन आ गया तो अच्छा चाय, चाय अच्छा है, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, इतना प्यार से बना के लाए हैं, बताइए चाय। गर्मी में इतनी गर्मी में चाय ऐसे भी गरम गरम को ही काटता है, लोहा लोहे को काटता है। हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ये आज क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और चित्रंजन नाम है इनका। और ये आज कितने कितने चैनल पर आप रिपोर्ट मारी हैं? देखिए ऐसा मत बोलिए, ठीक है, ऐसा मत बोलिए, लोग डरेंगे। हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो हमारा तस्वीर लगाकर नेगेटिव करेंगे ऑब्वियस सी बात है, हमारा राइट बनता है यूट्यूब, और कानून हमें राइट देता है कि हम उस पर एक्शन लें। ऐसे भी इनके नाम से लोग मीम्स भी बनाता है बहुत ज़्यादा, नहीं तो अच्छी बात है। और जो भी युवा है जिनको सपोर्ट चाहिए हमारा, और बिल्कुल हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, प्रमोट नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग को ज़रूरत हो तो आप हमसे बिल्कुल जुड़िए, और जब भी ज़रूरत हो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तब बोले कि निभा मैडम झूठ बोली थी, सपोर्ट नहीं। अच्छा ये बात बताइए, चाय अच्छा था? अच्छा, सही, मत डर के मत बोलिए। नहीं अच्छा था, सब डरते हैं, हम भी डरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे भी लोग गृह मंत्रालय से भाई बहुत डरते हैं, हमारी तो पता नहीं है। शादी होगी तब पता चलेगा चित्रंजन जी को, अभी शादी नहीं हुई है। थोड़ा सा छेड़छाड़ कीजिएगा ना, पूरा शांति व्यवस्थित हो जाएगी। क्या बात है, अभी सारा मतलब गृह मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय, अभी सोचिए चाय मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिलेगा। जो मिला पी लो भाई, एक तो बनाने से पी लो, तारीफ भी कर दो अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो। समझे क्या जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। बोल ही नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत ये है। चलिए कैसा लगा हमें यहाँ पर आए? बहुत अच्छा लगा। हम आपका इंतजार 8 बजे से कर रहे थे लेकिन अब 11 बजे हैं। क्या नहीं हुआ, कहते हैं ना कि इंसान खुशी में तो बहुत लोग साथ देते हैं, लेकिन जो गम में और दुखी में साथ देता है वही अच्छा साथी मित्र होता है। इमोशनल हो जाते हैं जब ये जोर से बोलती है ना तो लोग डर जाते हैं। गलत करने वाले एकदम सोच में पड़ जाते हैं, गलत करने वाले सोच यही सोचते हैं ना कि ये तो पूछना स्टार्ट करेगी तो छोड़ने वाली है, या तो शांत रहे या फिर चले। वो
हम देख ही नहीं पाते गलत चीजों को, ना बर्दाश्त होता है, गुस्सा थोड़ा सा चरम सीमा पे होता है। पता नहीं क्यों, आरा के जो सांसद उनके इंटरव्यू देखे हैं? नहीं देखे। देख लीजिएगा चैनल। सवाल करने में क्या डरना चित्रंजन, बताइए। हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से सवाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये चीज सोचना चाहिए। और बाकी में भाई देखिए, थोड़ा सा गुस्सा मेरा हाई है, क्षमा मांग लीजिए यहीं पर, क्षमा मांग लीजिए। जिनको मेरे गुस्से से कभी तकलीफ हुई है तो सबसे हाथ जोड़ करके लोग यही बोल देंगे, दिखने में इतनी सुंदर है लेकिन गुस्सा गुस्सा सच में बहुत आता है, बहुत बहुत ज्यादा। फिर आ रहा है, जोर से आवाज करेगा। हाँ, तो थोड़ा सा ये चीज है मेरे में, नेगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें या जो भी आपका सोच है आप सोचें, लेकिन थोड़ा सा है गलत चीज, गलत सुधार लीजिए, गुस्सा सुधार ले। हाँ। ये तो जेन्युइन, ये तो सुधर ही नहीं सकता है। नहीं, आप बोलेंगे खाना पीना सुधार लीजिए, रूटीन सुधार लीजिए, बोलना सुधार लीजिए, सब सुधारेंगे, बट गुस्सा और इमोशन कैसे, ये तो इमोशन का पार्ट है। अच्छा, एक सवाल है जो हम कमेंट में आपका देखे हैं, ये लोग बोलता है कि आपकी सुंदरता का क्या राज है ना, आता कमेंट करता है लोग, बता दीजिए हमारा वाला वीडियो में। कोई राज नहीं है, ठीक है, ये बचपन से है, फ्रूट बहुत खाती है और बेबी प्रोडक्ट यूज करती है। ओहो, देखिए बात ये भी है कि मेरी मम्मी भी सुंदर है, तो मम्मी सुंदर है तो ऑब्वियस सी बात है बेटी भी सुंदर है। अच्छा, तो बस यही बात है और कोई बात नहीं है। और एक्सरसाइज वगैरह? एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं, समय मिलता है क्योंकि समय का तो अभाव है। एक्सरसाइज वगैरह, खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, मतलब दिन भर में अनाज कम खाते हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, और ये मीठा वगैरह? हाँ, वो थोड़ा बहुत खाते हैं, मतलब उससे मोटापा बहुत बढ़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन ना नहीं हो सकता है, कंट्रोल तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल नहीं हो पाएगा कोई भी भाई। तो आप एक डेली रूटीन वाला भी वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाइए। हाँ। ताकि जो लड़की मोटी हो रही है वो अपना कर सके। अभी तो कमेंट लोग खुद बोल रहे हैं कि निभा जी आप पहले से मोटी हो गई हैं। अच्छा, ऐसा एक कमेंट आने लगा। हम तो थोड़ा अब तो जिम ज्वाइन करने वाले हैं, तो सोच रहे हैं कि भाई ऐसे भी आपका पहले एक वीडियो आता था ना आप, हाँ, योगा वाला, हिट इंडिया, हाँ, हाँ, वो हम करते थे ईटीवी, ईटीवी, हाँ, एक चैनल था उस पे, नेशनल चैनल था। फिर उसके बाद हम अपना जब चैनल शुरू किए थे तो स्टार्टिंग में हम सुबह का ज्ञान से ही शुरू किए थे। अरे वाह। हम एक्सरसाइज करने जाते थे और लोग क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, क्या रूटीन होना चाहिए, पेट दर्द हो तो क्या करें, स्किन में पिंपल आ जाए या गर्मी के मौसम में घमौड़ी हो जाए तो कैसे ठीक करें, तो ये सारी चीजें हम अपने दर्शक को अपने चैनल के माध्यम से बताते थे। किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं, टिप्स और एक्सरसाइज का A to Z नॉलेज है, मतलब एक होता है ना क्या एक्सरसाइज करेंगे तो पैर स्ट्रांग रहेगा, क्या समझ में आ रहा है? करेंगे तो फेस पे ग्लो रहेगा, क्या हुआ? कौन सा ऐसा करे कि नेक जो है वो होता है चेन बन जाता है ऐसे ऐसे, हाँ। लड़कियों की खूबसूरती खराब हो जाती है, तो वो क्या करे कि वो स्किन का, ये जो फेस का स्किन होता है उसको कैसे करे एक्सरसाइज कि भाई अच्छा रहे, तो ये सारी हाथ को पतला रखना, A to Z एक्सरसाइज हमको पता है, जो भी रूटीन एक्सरसाइज होता है सब समझे, ये भी एक सुंदरता का ही राज है। हाँ, तो ये सारी चीजें भाई ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम, चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, फिर कभी मिलेंगे तो और कुछ बातचीत होगा, तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम जाते जाते क्या बोलेंगे? हाँ, वो उनको बुलाइए, बस हम यही कहेंगे दोस्तों कि मेरे जो हस्बैंड हैं इनके लिए दुआ कीजिए, ये जल्दी से ठीक हो जाए, माही और माही को भी प्यार बनाए रखें आप लोग, बहुत तकलीफ में है अभी हम, अरे जल्दी ठीक हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, माही के लिए आप लोग का प्यार आना जरूरी है, कमेंट कीजिए और दवा लगाए जल्दी से ठीक हो जाए, देखिए इंजेक्शन पड़ रहा है इनको हर दिन सुबह शाम। अब से डॉक्टर चेंज हुए हैं, मैं आऊंगा इंजेक्शन लेने, इनको काफी अच्छा अनुभव है, जब न्यूज करने जाए ना ग्राउंड पे तो अगल बगल इंजेक्शन की जरूरत है इनसे ले सकते हैं। इंजेक्शन देने मैं आऊंगा इनको, हमारे मीडिया कर्मी भाई बहुत सारे मिलने के लिए आए हैं, तो बस आप दर्शकों का दुआ चाहिए, जल्दी ठीक हो जाए, दवा तो नहीं रहे दुआ की जरूरत है। जय हिंद।